आखिरी टैबलो पेश करेंगे। अब यूसुफ की मंगनी इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाएगी। पास उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने खाम में उसे दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। वो हामला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये सब कुछ इसलिए होगा कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो, एक बारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखी गई जिसका दर्शमा खुदा हमारे साथ। खुदा की तरफ से ग्रीक के एक शहर में जिसका नाम नासर था एक वाली के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दौर के घराना के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस वाली का नाम मरियम था। और फिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर बदल हुआ है खुदा भी तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर क्योंकि देख खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, तू हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो अपने बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसके बादशाह का कभी आदर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, ऐ मरियम खुदा की रूह तुझ पर साया डालेगी और खुदा की रूह पर साया डालेगी और वो अपने बाप वो मुलुदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कौल को मुआफ़ हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मरियम हामिद का गीत गाती है, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की बस्ताली पर नज़र की और देखा अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझ को मुबारक कहेंगे क्योंकि उसका नाम पाक है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगेबानी कर रहे थे और खुदावन का जलाल उनके चंगेज़ चमका, मगर वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरा मत क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हो क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मसीह पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावन्द खुदूस का। तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलने में पड़ा हुआ पाओ। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती हुई और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमी वाला पर खुदा की तंजील हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। जब फरिश्ते उनके पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, बस उन्होंने जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चन्नी में पड़ा हुआ पाया। Thank you.